अगली खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर नेशनल हाईवे 730 पर बीती देर रात सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हुए। दोनों को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल भिनगा के लिए किया रेफर। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक सिर्फ सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती इलाके के नेशनल हाईवे 730 दुबे दोनक्का के पास से है, जहां पर बीती रात मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में इकौना की तरफ से जा रहे दो युवकों की बाइक ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते अखिलेश और संतोष यादव निवासी जोगिया ग्राम सभा बलरामपुर के दोनों घायल हुए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने दोनों को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर बताते हुए उसे जिला अस्पताल भिनगा के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 दुबे दोनक्का के पास खड़े वाहन से इन युवकों की बाइक टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हुए, जो इकौना से कटरा की तरफ जा रहे थे, और जब ये दुबे दोनक्का के पास पहुंचे तभी इनकी बाइक खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। आसपास से गुजर रहे रागीदों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने दोनों को लाकर इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे भिनगा के लिए रेफर कर दिया, जबकि दूसरे का दवा उपचार किया गया। श्रावस्ती जनपद के नवीन मार्डन थाना श्रावस्ती इलाके के दुबे दोनक्का के पास किए देर रात की घटना, जहां पर यह सड़क हादसा सामने आया। सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हुए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।